हेलो फ्रेंड्स, आज असी बनाउन जा रहे हैं लसन वालियाँ सेवियाँ। तो जिमें कि तुसी देख रहे हो कौली दे विच असी 12-13 कलियां लसन दियां लईआं ने। एक बाउल है ते नाल मशीन रखी हुई है। तो अज असी तुहानूं इस वीडियो दे राहीं दस्सांगे कि किस तरह लसन दियां सेवियाँ तैयार कीतियां जांदियां ने। आओ शुरू करिए। हाँ जी, असी इस कौली दे नाल 3 कौलियां बेसन दियां लईआं ने नाप के। ते फिर लसुन दी कलियां ते तेल इसनूं एक जार दे विच मिक्स कर देंगे। तेल, लसुन दी कलियां ते नाल पानी। तेल तुसी कोई भी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसनूं असी मिक्स कर लेंगे चंगी तरह। देखो बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। हुण बेसन दे विच असी 1 चम्मच नमक ऐड करांगे ते 1/2 चम्मच मिर्च ते उसनूं चम्मच दी सहायता दे नाल मिला लांगे। दूजे पासे असी कढ़ाही दे विच तेल गर्म होना रख दिता है। तो हुण इस तैयार किए बैटर नूं असी बेसन दे विच मिक्स करांगे छन्नी दी मदद दे नाल। चंगी तरह असी इस नूं विच मिक्स कर लांगे। थोड़ा जिहा पानी होर पावांगे ताकि साडा बैटर वधिया बन जाए, स्मूथ बन जाए। हाँ जी, इसनूं चंगी तरह मिक्स करांगे। चंगी तरह इसनूं मिक्स कर दीजिए जब तक बैटर वधिया ना तैयार हो जाए। देखो जी, हुण बैटर साडा बिल्कुल तैयार है। देखो कितना स्मूथ बैटर बनिया। हुण एक जाली लवांगे जिस नाल असी सेव तैयार करांगे। बिल्कुल ब्रीक गलियां वाली उसनूं तेल दे नाल ग्रीस कर लवांगे। ते हुण असी मरी अंदरों चंगी तरह तेल दे नाल ग्रीस कर लवांगे। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰ ਚਮਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿਪਕੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ।
देखो जी सेवियां बिल्कुल क्रिस्पी बनिया ने, बहुत टेस्टी बनिया ने, ते तुसी भी इसनू घरे जरूर ट्राई करके देखना। ते मेरे चैनल नू लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।